स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। जैसा कि हमें पता है कि सक्षमता परीक्षा 1 के जो पास हैं नियोजित शिक्षक, उनको जो है वो काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। अब बारी आता है कि उनके नए स्कूल में उनको जो है वो योगदान कब करवाया जाएगा, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। चलिए पढ़ते हैं। सूबे में 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सूबे में 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वे सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विधायकों से 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी है। इन विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और यहाँ सुविधाओं का विस्तार होगा। मंत्री ने कहा कि राज्य में छात्र छात्राओं के अध्ययन के क्रम में उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक योग्य व पात्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम सिलेबस को प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप बनाएंगे, ताकि बच्चे बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सकें। निकाय शिक्षकों को राजकीय दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। जल्द ही 85,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे। इसके अलावा निकाय के बिहार महिला पति पत्नी शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए हैं। 2006 में शिक्षकों की कुल संख्या 1.80 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 5.77 लाख हो चुकी है। नई नियुक्ति के बाद यह 7.37 लाख हो जाएगी। पहले 65 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे और आज 32 बच्चों पर एक शिक्षक है। आज सूबे में 74,000 से अधिक विद्यालय हैं। इनमें 1.80 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। 1.10 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन दे रहे हैं। महाविद्यालयों में 26 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए 1.73 लाख शिक्षकों की नियुक्ति एक बार में की गई है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूबे में जो है 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो होगी, और शिक्षा का बजट भी यहाँ 52,000 करोड़ का है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यूज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।